Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are safe and sound and staying at home, okay? But study well, regularly, okay? हमने कल क्या पढ़ा था? First of all, हम revise कर लेते हैं उसे. हमने पढ़ा था कि how computer process data. सबसे पहले हमने देखना ये है कि computer जो सा है वो data किस तरह से organize करता है, process किस तरह से करता है. तो वो raw data जो सा होता है वो इकट्ठा करता है. जैसे वो बिल्कुल भी तरतीब में नहीं होता. One पहले होता है, three बाद में होता है, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 2, 6 इस तरह से बेतरतीब होता है, रॉ में होता है. लेकिन वो उसको ये उसको इनपुट कहा जाता है, ठीक है? लेकिन जो सा वो कंप्यूटर होता है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, इसको प्रोसेस करता है और फिर उसको एक इंफॉर्मेशन की सूरत में लेकर आता है, तरतीब से उसको लिखता है. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? जी, अब मैं आपको तफसील बताती हूँ कि रॉ जो सा डाटा होता है वो हो जाएगा आपका, रॉ डाटा आपका आ जाएगा 1, 3, 5, 8, 10, ठीक है? और इसको हमने प्रोसेस करना है और फिर हमने इसको तरतीब से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की तरह से तरतीब में लिखेंगे. और इस प्रोसेसिंग को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है? इसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं और उसको ही इंफॉर्मेशन को ही आप कहेंगे आउटपुट है हमारा, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है. और सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनपुट कौन सा था, ये आया कैसे, कंप्यूटर बना कैसे, सॉरी इनपुट नहीं, कंप्यूटर कैसे ईजाद हुआ. तो वो डायरेक्टली जो सा है पहले ही तो नहीं आ गया था ना. तो अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपने ग्रेड 5 का टेस्ट पेपर देना हो एडवा, तो पहले ही दिन आप दे सकेंगे, आप पास नहीं कर सकेंगे. तो इस तरह ही कंप्यूटर जो सा था फर्स्ट में ही नहीं बन गया था, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें पहले बनी थी, उसके बाद कंप्यूटर ईजाद हुआ था. तो सबसे पहले जो सा था वो था अबेकस, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा एक बीड्स और रॉड के शक्ल में इस तरह से एक बताया गया हुआ था. और इसको चाइनीज़ इस्तेमाल करते थे और आजकल भी टॉडलर्स वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो था हमारा आता था नेपियर बोन्स, ये ईजाद किया था जॉन नेपियर ने 1617 में ईजाद किया था. उसके बाद था पास्कल, पास्कल भी बीड्स और रॉड से यूज़ नहीं होता था, बल्कि इसके अंदर होता था व्हील्स यूज़ होते थे. और ये बना था 1642 में, ठीक है? और उसके बाद था ये लेबनीज कैलकुलेटर, ये जो था 1694 में बना था. और इसके स्टेप्स होते थे, एडिशनल स्टेप्स थे, और इसको बहुत ही आसानी के साथ इसके साथ बहुत ही एक्यूरेट आंसर निकल आता था मैथ्स का, ठीक है? इस तरह से पंच्ड कार्ट है, चार्लीज बेबिज है और हरमन हॉलोरेथ था, ठीक है? अब जो है आज हमने पढ़ना है द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है? और उसके आपने ऊपर डेट लगानी है, मेंशन करना है 13 अप्रैल 2021 और ट्यूसडे ऑन द राइट साइड, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ये ईजाद हुए थे चार्लीज बेबिज के बाद, क्योंकि वो जो सा था सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट था. कंप्यूटर जो आजकल के हैं वो सबसे क्लोज था, ठीक है? और जो सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो 20th century में ईजाद हुए थे. और उसमें एक प्रॉपर कंप्यूटिंग डिवाइस होती थी और उसके अंदर प्रॉपरली जो सा था डिजिटल कंप्यूटर की भी कोडिंग वगैरह और हर चीज़ हो जाती थी. जो इसके अंदर जो हमारे हैं 5 किस्में, इसके अंदर जनरेशन्स आती हैं. पहली आती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आती है 1942 से 1955 तक जनरेशन आती है. और इसके अंदर ट्यूब्स होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स उनको कहा जाता था. और उसके अंदर ग्लासेस लगे होते थे बल्ब्स के और वायर्स होती थी. बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक किस्म का ये होता था और इससे आपकी कैलकुलेशन होती थी बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आराम से. लेकिन थोड़े से इसके अंदर ट्रांसमिशन का फॉल्ट आता था, थोड़ा सा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स आते थे, इसलिए ये इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं होता था, ठीक है?
अब फिर आता था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि थी 1956 से लेकर 1964 तक थी, और इसमें होता था ट्रांसमिशंस, ट्रांजिस्टर्स होते थे, उनको जो सा है इलेक्ट्रॉनिक करंट के ज़रिए वैक्यूम तक पहुंचाए जाते थे, करंट के ज़रिए यानी कि एक ट्यूब, एक आप कह सकते हैं कि एक इस तरह से ट्यूब थी और ट्रांजिस्टर्स ये लगे हुए थे, और वो जो सा है वैक्यूम के ज़रिए ट्रांसमिशन होती थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड जनरेशन में ये, लेकिन मैं आपको सेकंड जनरेशन का बता रही हूँ ये, ठीक है, और सेकंड जनरेशन में इस तरह से काम होता था, और ये जो सा है बहुत ही सस्ता और रिलायबल था। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ भी है कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी था और बहुत सस्ता भी था, लेकिन जो सा है बहुत ही कम हीट इसमें यूज़ होती थी, जबकि जो सा है जो आपका फर्स्ट था, फर्स्ट जनरेशन वाला, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी। ठीक है, अच्छा, और जो सा थर्ड जनरेशन था 1965 से लेकर 1975 तक था, और इसमें जो सा था सर्किट्स यूज़ होते थे, स्मॉल सर्किट्स होते थे, उसके ज़रिए जो सा है बहुत ज़्यादा काम फटाफट हो जाता था, और इसके इससे मिस्टेक भी बहुत कम होती थी। ठीक है, बनी इसमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में मिस्टेक्स होती थी, सेकेंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में बहुत कम होती थी। ठीक है, और फिर आता था आपका फोर्थ जनरेशन, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए होता था, इसके अंदर चिप्स लगी होती थी, इसमें जो सा है स्मॉल चिप्स के साथ काम होता था, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज़ होते थे आपके, और उसमें जो सा है ना कंप्यूटर को, इसको बेसिकली कहा गया था कि इसमें जो सा है, क्योंकि चिप यूज़ किए गए थे फर्स्ट टाइम, माइक्रो प्रोसेसर भी यूज़ था इसके अंदर, और स्मॉल सिलिकॉन चिप्स के ज़रिए इसमें जो सा है काम होता था, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता, रिलायबल होता था, बहुत कम एनर्जी इसके अंदर लगती थी, इसलिए और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ जाता था। ठीक है, तो फिर हमारा होता था फिफ्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन जो सा था वो हमारा आया था, जो कि कंप्यूटर ही एक्चुअली कहा गया था, जो इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी थी, हर चीज़ प्रॉपरली थी, हर चीज़ में एक्यूरेट आंसर वो देता था, और कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसको कहते हैं आप फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, और इसके अंदर वेदर फोरकास्टिंग भी होती थी आपके, आपको इमेज भी दिखाए जाते थे, आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी होते थे, इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए जो सा है आपका ये सारा काम प्रॉपरली हो जाता था। ठीक है, उसको कहते थे आप फिफ्थ जनरेशन, और इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो सा था इसमें आपका काम हुआ था, यानी कि आप कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन बेसिकली जो सा था ये क्लोजेस्ट है कंप्यूटर से, जबकि फिफ्थ जनरेशन तो आप कह दें कि कंप्यूटर ही है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ बेसिकली सबसे बेस्ट जो सी थी वो आपकी आ जाती है जनरेशन्स में कंप्यूटर की। ठीक है, चलें बाकी जो सा है आप यहाँ तक रीड आउट कीजिएगा, यहाँ पर निशान आप लगा लें, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ओके, टेक केयर।